बाली G20 समिट का समापन हो चुका है। इस बार ये समिट कई दोस्तियों का गवाह बना। इस मंच पर जिस दोस्ती ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो है पीएम मोदी और सुनक की दोस्ती। इस मजबूत दोस्ती की एक तस्वीर ऋषि सुनक ने खुद ट्विटर पर पोस्ट की है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनक ने हिंदी में ट्वीट कर सभी भारतीयों का दिल भी जीत लिया है। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए सुनक ने हिंदी में लिखा कि यूनाइटेड बाय फ्रेंडशिप, एक मजबूत दोस्ती। सुनक के इस जेस्चर से साफ है कि ये दोस्ती एक तरफा नहीं है। जितनी पीएम मोदी की तरफ से है, उतनी ही भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की तरफ से भी है। इसका एक और सबूत ये है कि पीएम मोदी से पहली मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के हक में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारतीयों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3000 वीजा देने की हरी झंडी दे दी है। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। ब्रिटेन सरकार ने इस बारे में बताया कि भारत ऐसा पहला देश है जिसे इस स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है। ब्रिटेन सरकार ने बयान में कहा कि यूके भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम पर मुहर लग गई है। इस स्कीम के तहत हर साल 18 से 30 साल के 3000 भारतीय युवा 2 सालों तक ब्रिटेन जाकर रह सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं। वहीं ब्रिटेन और भारत के बीच अभी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अगर ये डील हो गई तो भारत किसी भी यूरोपियन देश के साथ होने वाली पहली ऐसी डील होगी। मीडिया में आए सुनक के बयानों से पता चलता है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील के समर्थक रहे हैं। ब्रिटेन में जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, तभी से ही भारत में खुशी जताई जाने लगी थी। ब्रिटेन में ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतीय मूल के नेता हैं जो ब्रिटेन सरकार के मुखिया बने हैं। ऐसे में G20 समिट के दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात हुई तो पूरे दुनिया की नजरें उन पर टिकी थी। ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात थी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।